क्या आपको पता है कि शराब का आविष्कार किसने किया, और क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेन का दाम कितना होता है, और क्या आपने कभी 15 अगस्त 1947 का न्यूज़पेपर देखा है, और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां 10 पेड़ लगाए बिना ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलती। इस वीडियो में आप ऐसे नॉनस्टॉप रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि आपका फेस भी इस आदमी की तरह हो जाएगा। फैक्ट नंबर 15, आप यह तस्वीर देखिए, ताजमहल लग रहा है ना, लेकिन ये असली नहीं बल्कि नकली ताजमहल है। यह ताजमहल बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनार गांव में है। इसे बनाने में 5.8 करोड़ $ यानी करीब 4 अरब 25 करोड़ लगे थे। इसे बांग्लादेश के एक अमीर फिल्म निर्माता ने बनवाया था। उन्होंने नकली ताजमहल इसलिए बनवाया क्योंकि उनके देश के गरीब लोग पड़ोसी देश भारत के प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को देखने का सपना पूरा कर सके। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में ज़मीन का दाम कितना है। न्यूयॉर्क जो कि दुनिया के टॉप शहरों में से एक है, न्यूयॉर्क में 34 स्क्वायर फुट की ज़मीन के लिए आपको $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 23 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। मतलब कि अगर आपको एक कमरा बनाना है तो आपको केवल ज़मीन के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेंगे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर ऐड चलाने में कितना पैसा लगता है। वैसे तो यह कोई फिक्स रेट नहीं है, फिर भी अगर आपको बड़े चैनल जैसे जी टीवी, सोनी सब कलर्स जैसे चैनलों पर 10 सेकंड का एक ऐड चलाना है तो सुबह के टाइम 50 से 1 लाख और शाम के टाइम 3 से 7 लाख तक चार्ज किए जाते हैं। और वहीं छोटे चैनलों की बात करें तो सुबह के टाइम 5 से 10 हज़ार और शाम के टाइम 50 से 1 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। अब तक इंसानों द्वारा उगाया जाने वाला सबसे बड़ा फल कद्दू है। 2014 में उगाए गए एक कद्दू का वजन 1 टन से भी अधिक था। आपको यकीन नहीं होगा, इसका वजन 1056 किलो का था। 1904 से लेकर अब तक दुनिया में सबसे बड़ा फल होने का खिताब कद्दू के नाम पर ही दर्ज है। फैक्ट नंबर 11, आप लोगों को वही गाना और मूवी देखना पसंद करते हैं जिसे आप खुद को रिलेट कर पाते हैं। KGF और दंगल जैसी मूवी का हिट होने का यही कारण था। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ना ही लोगों के पास टीवी था ना ही इंटरनेट। उस समय के लोगों तक समाचार पहुंचाने का एकमात्र जरिया न्यूज़पेपर था। 15 अगस्त 1947 की सुबह यह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज देखिए, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात, बापू की चीर तपस्या हुई सफल। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमिंग बर्ड ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे यहां तक कि उल्टा भी उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, फिलीपींस की सरकार ने एक अनोखा कानून निकाला है कि स्टूडेंट को ग्रेजुएशन डिग्री के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे, वरना पढ़ने के बाद भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मिलेगी। और यह कानून पर्यावरण के बचाव के लिए किया गया है। आपको क्या लगता है, यह कानून भारत में भी होना चाहिए, कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला झूठ I am fine है। फैक्ट नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार में सिक्के को पिघलाता है या नष्ट करता है तो उसे इंडियन क्वाइन एक्ट 2011 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है। चलिए आपको बताते हैं, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर जंक्शन का है। यह करीब 4483 फीट यानी 1366 मीटर का है। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड आज मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में राज करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड की पहली मूवी कौन सी थी। बॉलीवुड की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे साल 1913 में बनाया गया था। बॉलीवुड की पहली मूवी बनाने का क्रेडिट यानी श्रेय दादा साहेब फाल्के को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, एक स्टडी में पता चला है कि गूंगे लोग सपने में भी इशारों से बात करते हैं और जन्म से अंधे लोग सपने में सिर्फ आवाज़ें सुनते हैं, और जिनकी आंखें किसी कारणवश चली जाती है वे आम आदमी की तरह सपने देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक ट्रेन का दाम कितना होता है। किसी भी ट्रेन के इंजन को बनाने में 20 करोड़ लगते हैं, वहीं एक्सप्रेस की एक कोच बनाने में 2 करोड़ और जनरल और स्लीपर की एक कोच बनाने में 1.5 करोड़ लगते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस में 24 डिब्बे होते हैं यानी
48 करोड़ कोच के और 20 करोड़ इंजन के, कुल मिलाकर 68 करोड़ में एक एक्सप्रेस ट्रेन बन जाती है। उसी हिसाब से स्लीपर या जर्नल को बनाने में 56 करोड़ लगते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि सराब को सबसे पहले किसने कब और कैसे बनाया था? सराब को सबसे पहले कब बनाया था इसके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इंसान इतिहास में जितना झांक सकता है सराब पहले से ही प्रचलन में थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब 5000 वर्ष पहले इस्तेमाल की जा रही थी। इस नशीली पदार्थ ने प्राचीन काल में ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शराब को सबसे पहले अंगूर से बनाया गया था। अंगूर से शराब बनाने का तरीका किसने खोजा इसके लिए किसी एक इंसान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके कोई ठोस परिणाम नहीं मिलते हैं। मतलब कि शराब को सबसे पहले प्राचीन काल के लोगों ने बनाया और शराब को लगभग 5000 साल पहले बनाया गया था और इसे सबसे पहले अंगूर से बनाया गया था। जाने से पहले आप लोग ये बताएं कि भारत में कितने % लोग शराब पीते हैं, इसका जवाब कमेंट में लिखना ना भूलें।